करना है फर्स्ट सेट लेते हैं फर्स्ट पाई चार्ट सेट इज शोइंग द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इन जनवरी 2020 एंड दिसंबर 2020 ऑन आइटम्स ए बी सी डी ई एफ द एक्सपेंडिचर इन दिसंबर इज 20 परसेंट मोर देन दैट इन जनवरी एंड टोटल एक्सपेंडिचर जनवरी में कितना है दैट इज रुपीज फिफ्टी फोर थाउजेंड रुपीज फिफ्टी फोर थाउजेंड

ठीक है और ट्वेंटी वन परसेंट इफेक्टिवली दिसंबर में है जनवरी के अकॉर्डिंग कितना होगा क्योंकि दिसंबर में जो एक्सपेंडिचर है जनवरी से ट्वेंटी परसेंट ज्यादा है तो इफेक्टिवली अगर हम इसको जनवरी से कंपेयर कराना चाहते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ जनवरी का पाई चार्ट तो ट्वेंटी ऑफ दिसंबर विल बी ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी यानी कि प्लस फोर पॉइंट टू तो ऑफ फिफ्टी इज दैट क्लियर क्या ये बात समझ में आती है क्योंकि अगर हम यह बात समझ ले रहे हैं तो हमें ये तो clear है फिर कि क्योंकि अल्टीमेटली हमें जनवरी के हिसाब से आंसर करना है ट्वेंटी हो गया और हमें गिवन है कि वन ज्यादा है और रुपीज वन जनवरी में कितना होगा वन परसेंट इज फाइव फोर्टी तो जीरो पॉइंट टू परसेंट वन जीरो So? ज्यादा है तो ट्वेंटी टू परसेंट माइनस उन दो आइटम्स का जिनके लिए हमें आंसर करना है तो दसम शुड बी ट्वेंटी फाइव परसेंट क्या यह बात समझ में आती है हमें एक्जैक्ट वैल्यूज की बजाय परसेंटेज में कंपेरिजन करना ज्यादा ईजी होगा अदरवाइज हम कैलकुलेशन यहां पर करेंगे फिर जनवरी के सारे वैल्यूज का कैलकुलेशन करेंगे फिर हम सॉल्व कर पाएंगे दैट विल बी मच लेंदियर और एग्जाम में बिल्कुल भी उस अप्रोच से नहीं जाना है जब तक हम प्रॉपर स्मार्ट अप्रोचेज नहीं सीखेंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करेंगे क्या इस बात को समझ पा रहे हो ठीक तो दिसंब, है, है, है तो हमने जनवरी की क्वांटिटी को पहले दिसंबर की क्वांटिटी को जनवरी के लिए कंपेरेबल बनाया ट्वेंटी किया फिर जनवरी का पॉइंट है वन और वही वन एक्स्ट्रा है तो पॉइंट टू परसेंट सब्ट्रैक किया तो यानी कि ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ जनवरी कौन कौन से आइटम्स का सम होगा दैट इज वॉट द क्वेश्चन इज नाउ तो सी एंड ई का सम है हमारा एटीन प्लस ट्वेल्थ नॉट द आंसर थर्टी परसेंट आ रहा है b and c 15 plus 18 33% definitely not the answer b and f 15 plus 10 yes this is the answer 25% only or e and f are 12 and 10 22 so that is obviously not the answer clear option c our answer next question the average expenditure on items a c and d together in january is what percent less than expenditure on item e in december तो जनवरी में ए सी और डी ट्वेंटी परसेंट का ए का है सी का एटीन परसेंट डी ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी प्लस एटीन इज थर्टी एट प्लस ट्वेंटी तो प्लस एवरेज प्लस हमें चाहिए तो एवरेज विल बी डिवाइडेड बाई थ्री यानी कि ट्वेंटी वन परसेंट ट्वेंटी वन परसेंट हो जाएगा ओके और ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ फाइव फोर्टी थाउजेंड अरे फिफ्टी फोर थाउजेंड क्यों मैं एक जीरो एक्स्ट्रा कर रहा हूं ठीक है और आइटम ई का दिसंबर में एक्सपेंडिचर कितना है दैट इज थर्टीन परसेंट थर्टीन परसेंट है एफ का है थर्टीन परसेंट ई का है ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट है इन दिसंबर बट अगर इसको हमें जनवरी से कंपेरेबल बनाना है तो क्या वैल्यू होगा दिस विल बी ट्वेंटी परसेंट प्लस ट्वेंटी परसेंट और ट्वेंटी परसेंट यानी कि फोर परसेंट एड कर दोगे तो दिस विल बी ट्वेंटी फोर परसेंट इन टर्म्स ऑफ जनवरी तो so जनवरी में हमारा एवरेज आया है ट्वेंटी वन परसेंट एंड दिस वैल्यू इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर परसेंट से ट्वेंटी ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान देना है कि बेस वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि एवरेज एक्सपेंडिचर इन जनवरी इज वॉट परसेंट लेस ऑन दीज आइटम्स इज वॉट परसेंट लेस देन एक्सपेंडिचर ऑन आइटम ई इन दिसंबर सो ये जो एक्सपेंडिचर ऑन आइटम ई इन दिसंबर है दिस इज अवर बेस वैल्यू हमें परसेंटेज इस पर कैलकुलेट करना है यानी कि ऑफ This is 24 54,000 54,000 21 of 54, so 3 ठीक है, 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 so है? है हमें ऐसे सारे क्वेश्चन में हमें कोशिश करना है कि या तो हम दिसंबर वाले को जनवरी वाले कन्वर्ट कर दें या जनवरी वाले को दिसंबर वाले में कन्वर्ट कर दें और अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन को कंपेयर करके सॉल्व करें क्योंकि परसेंटेज निकालना है रेशियो निकालना है तो हमेशा हमें सिर्फ कंपेरिजन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन इन जनवरी ऑफ द फैमिली इज ट्वेंटी परसेंट मोर ठीक है जनवरी में इनकम ऑफ द फैमिल्वेंटी परसेंट मोर देन दोटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम इन डिसंबर इज फिफ्टीन परसेंट मोर दे एक्सपेंडिचर इन सेम मंथ वॉट बाई वॉट परसेंटेज आर सेविंग्स इन जनवरी मोर देन दैट इन दिसंबर अगेन हमें क्या चाहिए हमको चाहिए परसेंटेज यहाँ पे एप्सोलूट वैल्यूज के चक्कर में नहीं पड़ना है ठीक है तो हमें क्या पता है जनवरी में एक्सपेंडिचर लेटेस से हंड्रेड है और इनकम के बारे में क्या बोला है कि जनवरी में इनकम इज ट्वेंटी परसेंट ज्यादा यानी कि वन ट्वेंटी होगी और अगर इनकम वन ट्वेंटी है एक्सपेंडिचर हंड्रेड है तो जनवरी की सेविंग्स से क्या आ जाएगी ट्वेंटी आ जाएगी है? यही बात अगर दिसंबर में करेंगे दिसंबर में इस 120, तो वन थर्टी एट विल बी इनकम इनकम वन थर्टी एट हो जाएगी दिसंबर में सो सेविंग्स इन दिसंबर विल बी इक्वल टू एटीन वन थर्टी एट माइनस ट्वेंटी वन ट्वेंटी सो so 18 हमारी सेविंग्स आ जाएगी दिसंबर की और जनवरी की सेविंग्स है 20 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट परसेंटेज सेविंग्स इज जनवरी मोर देन दैट इन दिसंबर अगेन बेस वैल्यू दिसंबर का है वेरी इंपॉर्टेंट बेस वैल्यू में गलती करोगे आंसर गलत हो जाएगा तो बेस वैल्यू दिसंबर का है दिसंबर में 18% है ठीक है 18 वैल्यू है हमारा और जनवरी में ट्वेंटी है टू का इंक्रीज है और एटीन में टू का इंक्रीज है तो टू बाई एटीन यानी कि वन बाई नाइन विच विल इलेवन पॉइंट वन वन परसेंट ऑप्शन बी होगा क्लोजेस्ट क्योंकि इंटीजर में आंसर करना है क्लियर है ठीक है हालांकि मुझे इस क्वेश्चन में लगता है कि आइडियली दिसंबर ट्वेंटी नाइनटीन होना चाहिए ट्वेंटी ट्वेंटी नहीं होगा एनी anyway, वे हमें जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से आंसर करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ऑन विच आइटम वॉज देर ए फोर परसेंट डिक्रीज और इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इन दिसंबर एज कंपेयर टू दैट इन जनवरी तो दिसंबर में डिक्रीज या इंक्रीज कितना चाहिए हमको फोर परसेंट का इन एक्सपेंडिचर एज कंपेयर टू दैट इन जनवरी ऑप्शन है सी ए बी एंड एफ तो फॉर ऑप्शन ए विच इज सी एटीन परसेंट आ रहा है हमारा जनवरी में बट दिसंबर में आ रहा है सिक्सटी परसेंट बट यह सिक्सटीन परसेंट में ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज करोगे तब तो कंपेयर करा पाएंगे तो सिक्सटीन परसेंट का ट्वेंटी परसेंट होगा थ्री पॉइंट टू दिस इज नाइनटीन पॉइंट टू एटीन से नाइनटीन पॉइंट टू पे जा रहा है, कि का इंक्रीज है और वन पॉइंट टू एटीन का कितना परसेंट होगा फोर परसेंट तो नहीं हो रहा है सो so, अपना ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है ऑप्शन बी में दिया है ए ए में है ट्वेंटी परसेंट इन जनवरी दिसंबर में एटीन परसेंट और कंपेरेबल बनाने के लिए हमें ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज करेंगे तो प्लस थ्री पॉइंट सिक्स दिस विल बी ट्वेंटी सिक्स अब 20 से 21.6 हो रहा है यानी कि 1.6 का इंक्रीज है व्हिच विल बी 8% 8% होगा 4% थोड़ी होगा तो हमारा आंसर ऑप्शन बी भी नहीं होगा ऑप्शन सी में 15% बी के लिए और यहां पे है 12% इंक्रीज करोगे 20% से 12 2.4 दिस विल बी 14.4% नाउ दिस इज कंपैरेबल 15% से हुआ है 14.4% डिक्रीज आया है 0.6 का का डिक्रीज आया है और फिफ्टीन परसेंट का वन ऑप्शन पॉइंट सिक्सेंट तो आंसर इज दैट क्लियर जस्ट टू वेरीफाई हालांकि हमें आंसर तो अपना मिल गया है एफ के लिए भी चेक कर लेते हैं टेन परसेंट है, है जनवरी में और यहां पर है ऑलरेडी 13%, 13 तो बहुत ही ज्यादा चेंज है 56 का इंक्रीज है तो डेफिनेटली तो आंसर नहीं हो सकता इज दैट क्लियर ठीक है तो ये सेट समझ में आया कैसे हमने इस सेट को सॉल्व किया कैसे हमने पाई चार्ट में अपना रेशियोज को वैल्यूज को यूज यूज किया को किया को है ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालने के और यही अप्रोच एग्जाम में भी अप्लाई करना होगा अगर अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को समझ पा रहे हो तो सेशन को लाइक करना अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार फिर से स्टार्ट से देखो कि कैसे हमने छोटी छोटी बातों को अप्लाई किया है यूज किया है क्योंकि यही अप्रोच करोगे तो ही एग्जाम में फास्टली फास्ट सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को अदरवाइज अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करोगे एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालने के चक्कर में और फिर गलतियां करोगे और सही भी करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा और ऐसी अप्रोच की हमें कोई जरूरत नहीं हमें वो अप्रोच चाहिए जो कि हमें स्मार्टली कम समय में अपना आंसर दे इज दैट क्लियर अब अगला सेट करते हैं ठीक है सेम ईयर से नेक्स्ट नेक्स्ट सेट सेट इज शोइंग द पाई चार्ट शोज ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंप्लाइज एंड टोटल नंबर ऑफ मेल ऑफ अ कंपनी इन डिग्री वर्किंग इट्स सिक्स ऑफिस ए बी सी डी ई एंड एफ नौ इस बार क्या है लास्ट टाइम हमको परसेंटेज वैल्यूज दी हुई थी और इस बार हमको वैल्यूज दी हुई है किसमें डिग्रीज है वैल्यू दी हुई है डिग्रीज में दी हुई है क्लियर है तो डिग्रीज को पहले हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ओके okay, तभी कंपेयर कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है इफ 25 परसेंट ऑफ द मेल इंप्लॉइज इन ऑफिस ए आर ट्रांसफर टू ऑफिस सी एंड 35 परसेंट ऑफ फीमेल इंप्लॉइज इन ऑफिस डी आर ट्रांसफर टू ऑफिस ई देन द नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉज इन ई एज अ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेल इंप्लाइज इन सी इज अप्रॉक्सिमेमेमेमेमेटली इक्वल टू वट अप्रोक्सीमेटली कितना वैल्यू होगा ओके okay, सो so, सबसे पहला का परसेंटेज Uh, में कन्वर्ट करते हैं डिग्रीज को सो ए के लिए दिया है सेवेंटी फाइव पॉइंट सिक्स हमेशा याद रखना है देखो टोटल थ्री सिक्सटी डिग्री है तो so, टेन परसेंट होगा थर्टी सिक्स डिग्री ट्वेंटी परसेंट होगा सेवेंटी टू डिग्री एंड सो ऑन थर्टी परसेंट वन जीरो एट डिग्री ठीक है और वन परसेंट होगा थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री और टू परसेंट होगा सेवन पॉइंट टू so, तो उसी अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज इजिली मिल जाएंगे क्लियर है ओके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल इंप्लॉइज के लिए बात करें तो फॉर ऑफिस ए 75.6 डिग्रीज़ है विच इज 72 प्लस 3.6 यानी कि दिस विल बी 21 परसेंट अपने एंड पे पॉज करके सारे के सारे परसेंटेज मेंशन करो लिखो ठीक है बी के लिए दिस इज़ फोर विच इज सेवेंटी टू माइनस सेवन यानी कि दिस विल बी 20 माइनस टू एटीन परसेंट

12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? टू 2 ट्वेंटी फोर और ट्वेल्व फोर 48 यानी ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू वन परसेंट ऑफ टोटल टोटल इंप्लाइज हो जाएंगे हमारे ट्वेंटी फोर इंटू हंड्रेड टू फोर डबल जीरो दिस इज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज दैट क्लियर ओके सिमिलरली फॉर मेल ऑफिस ए दिस इज एटी सिक्स पॉइंट फोर विच इज सेवेंटी टू प्लस फोर्टीन पॉइंट फोर सेवेंटी टू ट .4 4%, तो आ गया सी दिसनसेंट माइनस टू परसेंट एट परसेंट और डी अगेन ई फिफ्टी पॉइंट फोर माइनस थ्री पॉइंट सिक्स वन परसेंट तो फोर्टीन परसेंट आ जाएगा और थर्टी टू पॉइंट फोर इज नाइन परसेंट ऑनली इंफॉर्मेशन गिवन इज मेल इंप्लॉइज इन ऑफिस ई आर टू ट्वेंटी फोर ऑफिस ई में है फोर्टीन परसेंट फोर्टीन परसेंट का वैल्यू हमें गिवन है दैट इज टू ट्वेंटी फोर तो डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा फोर्टीन वन फोर्टी वीन और फोर्टीन सिक्स एटी फोर यानी कि सिक्सटीन इज इक्वल टू वन परसेंटें सिक्सटीन हंड्रेड विल बी टोटल नंबर ऑफ मेल इंप्लॉइज अब यहाँ पे देखो लास्ट में जो इफॉर्मेशन गिव था वहां पे एक चीज और ध्यान देनी है कभी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है क्वेश्चन को और मुश्किल बनाना हो तो फीमेल इंप्लॉयज दिए होते है. ठीक है दैट इज ऑल्सो पॉसिबल तो अगर फीमेल इंप्लॉइज दिया होता तो फिर हमें फिर कंपेरिजन करना पड़ता टोटल एप्प्लॉज का परसेंटेज गिवन है वहां से हम वैल्यू निकाल चुके हैं ठीक है मेल इंप्लॉयज का परसेंटेज गिवन है तो उसको इक्वेशन बना के हमें फिर अल्टीमेटली फीमेल इंप्लॉयज का वैल्यू मिलता है इज दैट क्लियर ठीक है तो ये चीज भी दिमाग में रहनी चाहिए कि वैसा भी पॉसिबल हो सकता है अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन कह रहा है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द मेल इंप्लॉइज इन ऑफिस ए आर ट्रांसफर टू ऑफिस सी ओके एंड थर्टी फाइव परसेंट ऑफ द फीमेल इंप्लॉयज इन ऑफिस डी आर ट्रांसफर टू ऑफिस ई देन नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉईज इन ई एज़ अ परसेंटेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉईज इन सी यानी कि बेस वैल्यू है मेल इन सी और फीमेल इन ई डिवाइडेड बाय मेल इन सी की वैल्यू हमें चाहिए क्लियर है फीमेल इन ई डिवाइडेड बाय मेल इन सी ओके तो फीमेल इन ई क्या वैल्यू आ रहा है हमारा सबसे पहले मेल इन से ही निकाल लेते हैं 25% ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन ऑफिस ए आर ट्रांसफर टू ऑफिस सी ऑफिस सी में हमारा कितना है 8% ऑलरेडी है और 25% ऑफ मेल इन ऑफिस ए आर आल्सो ट्रांसफरड तो मेल इन मेल इन सी कितना हो जाएगा दैट विल बी 8% ऑलरेडी है और 25% ऑफ 24% इज 6% तो so, 8 6 यानी कि 14% ऑफ 1600 क्लियर ट विल फोर्टीन इन टू सिक्सटीन विच इज टू ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी फोर और फीमेल इन ई कितना है फीमेल इन ई के लिए हमें पहले मेल को निकालना पड़ेगा टोटल को निकालना पड़ेगा फिर सब करना पड़ेगा सो so, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग थर्टी फाइव परसेंट ऑफ फीमेल इंप्लाइज इन डी आर ट्रांसफर्ड टू ऑफिस ई ओके सो ऑफिस ई में कितनी फीमेल्स हैं ऑलरेडी ऑफिस ई में टेन परसेंट आर टोटल इंप्लॉइज और फोर्टीन परसेंट ऑफ मेल इंप्लॉइज टेन परसेंट ऑफ टू फोर्टी यानी कि ऑफिस ई e में हमारे पास ऑलरेडी टोटल e है टेन परसेंट टू थाउजेंड फोर हंड्रेड टू फोर्टी दिस इज टोटल माइनस मेल्स इंटू सिक्स फीमेल्स ऑलरेडी और प्लस ट्रांसफर भी कर रहे हैं थर्टी फाइव फीमेलॉयज इन डी आर ट्रांसफर टू ऑफिस ई डी में कितना है थर्टी परसेंट फीमेलॉइजना है थर्टी परसेंट यहां पर टोटल भी है थर्टी परसेंट मेल का भी है थर्टी परसेंट ऑफ

टू फोर्टी इंटू सेवन बाई ट्वेंटी कितना हो जाएगा ट्वेल्व इंटू सेवन यानी कि एटी फोर एड कर देंगे तो दिस वैल्यू इज सिक्सटीन प्लस एटी फोर विच इज इक्वल टू हंड्रेड दैट इज इक्वल टू हंड्रेड यानी कि फीमेल्स इन ई आर हंड्रेड और मेल्स इन सी आर टू ट्वेंटी फोर हंड्रेड बाई टू ट्वेंटी फोर का परसेंटेज में पूछा है परसेंटेज में वैल्यू पूछा है एक सेकेंड थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा वैल्यू लिखेंगे कहाँ पे ठीक है तो हंड्रेड बाई ट्वेंटी फोर परसेंटेज में वैल्यू क्या आएगा बी अराउंड फोर्टी फाइव परसेंट भाई हंड्रेड बाई टू ट्वेंटी फोर है टू ट्वेंटी फोर का टेन परसेंट है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर तो फोर्टी परसेंट आ जाएगा एटी एट प्लस वन पॉइंट सिक्स यानी कि एटी नाइन पॉइंट सिक्स और उसमें हमें ऐड करना है अराउंड टेन पॉइंट फोर तब तो हंड्रेड बनेगा और टेन पॉइंट फोर विल भी अप्रॉक्सिमेटली फोर पॉइंट फाइव परसेंट तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा फोर्टी फोर पॉइंट सिक्स परसेंट इज दैट क्लियर ओके ठीक है But कितना लंबा कैलकुलेशन हो गया यहां पे कितना हमारा लंबा और टिपिकल कैलकुलेशन हो गया क्या एग्जाम में हम इतना कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे तो इसी क्वेश्चन को करने का फिर बेटर अप्रोच क्या होना चाहिए अब हम पहले एक तो आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या हमें किसी क्वेश्चन में एब्सोट वैल्यू की जरूरत है या सारे के सारे क्वेश्चन में या तो परसेंटेज निकालना है या फिर रेशियो निकालना है पहले सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं अकॉर्डिंगली फिर अप्रोच के बारे में बात करते हैं पहले क्वेश्चन में तो क्लियर है हमें परसेंटेज निकालना था और सारी वैल्यूज परसेंटेज में दी है कहीं पर भी एप्सोट वैल्यू हमें नहीं दी हुई है क्वेश्चन नंबर टू में भी है व्हाट इज द रेशियो रेशियो पूछा है क्वेश्चन नंबर थ्री में भी नंबर ऑफ फीमेल एज अ परसेंटेज ऑफ फीमेल मेल यानी कि अगेन एक रेशियो ही पूछा है ठीक है रेशियो के बारे में बात किया है कि सेकंड लोएस्ट कहां पर होगा क्वेश्चन नंबर फोर में भी एवरेज नंबर ऑफ मेल इंप्लॉयज इज वॉट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉयज अगेन यहां पर भी रेशियो ही पूछा है तो हमें एप्सोलूट वैल्यू की किसी भी क्वेश्चन में जरूरत नहीं है इज दैट तो हम अल्टीमेटली जब भी किसी क्वेश्चन में हमें वैल्यूज की जरूरत नहीं है तो हम एप्सुलूट वैल्यूज में डील ही नहीं करेंगे अगर पॉसिबल है तो हम रेशियो में डील करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम रेशो से कैसे सॉल्व करते रेशियो से इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते ओके करतेकेंड कॉलेज में बना देते हैं ट्वेंटी फोर हंड्रेड टोटल आया हमारा फॉर टोटल एम्प्लॉयज और सिक्सटीन हंड्रेड आया है फॉर मेल ओके तो सिंप्लीफाई कर दें अगर इसको तो so, 2400 और 1600 में वी कैन से दैट 300 और 200 का रिश्व आ रहा है 100 इसलिए रखा है बिकॉज परसेंटेज वैल्यूज है हमें परसेंटेज को डील करना है ठीक है सारे के सारे परसेंटेज एक बार फिर से लिख देते हैं ए का है ट्वेंटी बी का है एटीन सी e के लिए दिस इज ट्वेल्व डी के लिए थर्टी परसेंट ई के लिए टेन परसेंट और एफ के लिए नाइन परसेंट और फॉर मेल इंप्लॉयज दिस इज नाइन परसेंट दिस इज़ फोर्टीन परसेंट दिस इज थर्टी परसेंट दिस इज एटीन परसेंट फिफ्टीन परसेंट एंड फॉर ए दिस इज़ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर परसेंट सारे के सारे परसेंटेज आ गए हमारे क्लियर है अब इसके बाद में क्या है हम यहाँ पे रेशियोज़ लिख सकते हैं तीन कॉलम बनाते हैं टोटल एम्प्लॉयज़ मेल एम्प्लॉयज़ फीमेल एम्प्लॉज ओके और फॉर ए बी सी डी एंड एफ ओके तो टोटल एम्प्लॉइज में क्या है थ्री हंड्रेड हमने लिया है वैल्यू थ्री हंड्रेड टोटल वैल्यू है टू हंड्रेड वैल्यू है हमारा और मिली एम्प्लॉयज ठीक है तो so, अगर यहां पे देखो हमारा रेशियो के अलावा क्वेश्चन होते तो हमें एब्सोट वैल्यूज लिखनी होती है टेबल बना के ठीक है बट यहां पे हम एब वैल्यूज को इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो चाहिए और रेशियो के लिए जितना हम इजी वैल्यूज हो जितनी छोटी वैल्यूज हो उतना तो बेहतर है सो तो ए के लिए ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ थ्री हंड्रेड यानी ट्वेंटी थ्री हो गया टोटल इंप्लाइज और मेल इंप्लॉइज है ट्वेंटी फोर टू हंड्रेड यानी कि ट्वेंटी हो गया फीमेल इंप्लाइज ध्यान क्या रखना है हमें कि अगर हमें एप्स वैल्यूज चाहिए भी होंगी तो हम उसके लिए क्या करेंगे एट से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई से कर दोगे वैल्यूज भी मिल जाएंगी ठीक है अदरवाइज हम फ्रैक्शन में डील करेंगे क्लियर सी के लिए कुछ वैल्यू में गड़बड़ किया है क्या एट परसेंट है ना अरेटीन परसेंट कहाँ से लिख दिया है एट परसेंट ही है। तो है ठीक है तो एट परसेंट वैल्यू आ रहा है यानी कि एट इन टू सिक्सटीन तो फॉर फीमेल दिस विल बी ट्वेंटी ओके फॉर डी थर्टी परसेंट ऑफ थ्री थर्टी थ्री नाइनटी एंड थर्टी परसेंट ऑफ टू सिक्सटी तो फीमेल विल बी थर्टी फॉर ई टेन परसेंट ऑफ थ्री हंड्रेड थर्टी और फोर्टीन परसेंट ऑफ टू हंड्रेड यानी कि ट्वेंटी एट टू बच गया और एफ स्टेट अवे नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन और नाइन इंटू एटीन तो नाइन हमारे आ गया फीमेल इम्प्लॉयज़ इज दैट क्लियर तो ये हमारा एक प्रपोर्शन आ गया रेशियो आ गया सारी की सारी वैल्यूज का क्लियर है अब क्वेश्चन नंबर वन में हमें क्या करना था क्वेश्चन नब्बर वन में हमें चाहिए था कि ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन ऑफिस आर ट्रांसफर टू ऑफिस सी ओके सबको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे अब स्टेट अवे लिख सकते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ मेल इंप्लाइज ऑफिस ए आर ट्रांसफर टू ऑफिस तो मेल इंप्लाइज ऑफिस कितना है फोर्टी एट ट्रांसफर किया ट्वेल्व को ट्रांसफर कर दिया तो ऑलरेडी सिक्सटीन थे C में और ऑफिस सी तो में ई e के बारे में बात कर रहे हैं फीमेल्स इन ऑफिस ई कितना होगा ऑलरेडी कितना है थर्टी फाइव परसेंट ऑफ फीमेल इन डी आर गेटिंग ट्रांसफर्डी में थर्टी और टेन पॉइंट फाइव यानी कि ट्वेल्व पॉइंट फाइव वैल्यू आ जाएगा हमें प्रपोर्शन में चाहिए एक्जैक्ट जरूरत नहीं है तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव बाई ट्वेंटी एट विच इज इक्वल टू ट्वेंटी अराउंडी फाइव परसेंट आ जाएगा ठीक है इसके बाद का प्रोस्तुस्तु तो क्लियर क्लियर है, क्लियर है? बट कैलकुलेशन कितना आसान हो गया हमारे लिए एक बार टेबल बना लिया कैलकुलेशन कितना ईजी हो गया क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू हमारा कह रहा है वोट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल टॉज इन ऑफिस सी एंड एफ ऑफिस सी और एफ के मेल इम्प्लाइज सी में है सिक्सटी और एफ में है एटीन सी और एफ के मिला के हो गया सिक्सटीन प्लस एटीन और रेशियो हमें चाहिए है इनका टू नंबर ऑफ इंप्लॉइज इन ऑफिस बी अब देखो ऑफिस बी के एम्प्लॉयज को तुम देखो या ना देखो वो तो अभी हम देखेंगे बट ऐसे क्वेश्चन में भी हमें अप्रोच क्या चाहिए क्योंकि हमें अल्टीमेटली रेशियो निकालना है और हमें क्या वैल्यू मिल रहा है दिस इज थर्टी फोर दिस इज थर्टी फोर तो क्लियर है कि जो हमारा जो आंसर होगा उसमें या तो सेवनटीन आएगा या तो आएगा इज अ प्राइम नंबर तो क्लियरली ऑप्शन ए या डी तो आंसर नहीं हो सकता है इज दैट क्लियर अब हम बात करते हैं टोटल इंप्लॉयज इन ऑफिस बी कितना है इंप्लॉयज इन ऑफिस बीज फिफ्टी फोर तो रेशियो आएगा थर्टी फोर एस टू फिफ्टी फोर यानी कि सेवनटी ट्वेंटी सेवन ऑप्शन बी अगेन कैलकुलेशन क्योंकि इजी हो गया हमारे लिए तो आंसर निकालना इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन नंबर थ्री नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉइज परसेंटेज ऑफ मेल इम्प्लाइज सेकंड लोएस्ट इन विच ऑफिस फीमेल एज अ परसेंटेज ऑफ मेल किस ऑफिस में लोएस्ट होगा लोवेस्ट चाहिए ओके तो अपने ऑप्शंस में फिफ्टीन बाई फोर्टी एट इज दिस इज लेस देन वन बाई थ्री इज क्लियरली नॉट द आंसर ठीक है सिक्सटीन बाई ट्वेंटी ये तो ग्रेटर देन वन आ रहा है ये तो ग्रेटर देन वन आ रहा है सी तो आंसर तो ही नहीं हो सकता डी में वन बाई टू आ रहा है लोवेस्ट तो आ रहा है ई e के लिए टू बाई ट्वेंटी एट यानी वन बाई फोर्टीन वेरी लो और फिर दिस इज ऑल्सो वन बाई टू ओके दिस इज ऑल्सो वन बाई टू तो क्लियरली हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर विल बी ऑप्शन ए फिफ्टीन बाई फोर्टी एट ऑप्शन ए आंसर होगा क्लियर है यानी कि डी ऑफिस ए आंसर है यानी कि ऑप्शन डी आंसर होगा क्लियर है ये बात समझ में आती है कोई दिक्कत ठीक है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एवरेज नंबर ऑफ मेल इंप्लॉइज इन ऑफिसर ए डी एंड एफ इज वॉट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉइज इन बी ई एंड एफ इस क्वेश्चन में भी ध्यान रखना है कि देखो एक केस में एवरेज निकालना है और एक केस में टोटल निकालना है तो कंफ्यूज नहीं होना है एवरेज इन ए डी एंड एफ मेल ए डी एफ का हमें चाहिए एवरेज और फिर हमें चाहिए फीमेल ई एफ का टोटल मेल ए डी एफ का एवरेज क्या आ रहा है ए डी एन एफ ए में है फोर्टी एट डी में है सिक्सटी और एफ में है एटीन फोर्टी एट प्लस सिक्सटी प्लस एटीन और एवरेज चाहिए डिवाइड बाय थ्री करेंगे तो आ जाएगा सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी प्लस सिक्स तो दिस फोर्टी टू और फीमेल बी एफ का टोटल चाहिए बी में है ट्वेंटी फोर ई में है टू और एफ में है नाइन ट्वेंटी फोर प्लस टू प्लस नाइन ट्वेंटी फोर प्लस इलेवन दिस इज थर्टी फाइव और हमें क्वेश्चन क्या पूछा एवरेज नंबर ऑफ मेल इंप्लॉइज इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल फीमेल इंप्लॉयज थर्टी फाइव से कितना ज्यादा है सेवन ज्यादा है सेवन ज्यादा है यानी कि ट्वेंटी परसेंट ज्यादा है सेवन बाई थर्टी यानी वन बाई फाइव ट्वेंटी परसेंट ज्यादा है ऑप्शन बी विल बी द आंसर इज दैट क्लियर ठीक है थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था बट स्टिल हमने जो बेस्ट अप्रोच होगा उससे सॉल्व करने की कोशिश की क्या इस क्वेश्चन को समझ में आया यह क्वेश्चन अप्रिशिएट कर पा रहे हो ठीक है तो अगर सेशन पसंद आ है तो उसको लाइक जरूर करना है अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी कोई डाउट रहा है नहीं समझ में आया है तो जरूर से जरूर कमेंट में मैंशन करना आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट डाउट एज वेल ठीक है और ऐसे ही जो बाकी सेशंस हैं और टॉपिक्स पे यानी कि जैसे पाई चार्ट के हमने दो सेट कर लिया एसआरसी जी बी के सिमिलरली टेबल बेड सेट करेंगे और बाकी जो टेबल बेस्ड हो गया केसलेट बेस्ड हो गया और लाइन ग्राफ बेस्ड है वो सारे के सारे सेट्स भी हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन और अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक करना है एंड यू कैन कर टेलीग्राम एट ए डी आई टी वाई के टी एन जोइन ट्राम को कैट्स एट एम बी एल्सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन बाय बाई टेक केयर